सब गेमर्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि PUBG मोबाइल और PUBG PC कैसे मनी अर्न करती हैं, धंधा कैसे चलाती हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना यार, और मैं अमेजिंग गेमिंग कंटेंट आपको देता रहूँगा। तो पहले ही ये मैं बता दूँ कि मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए ये नहीं बताने वाला कि आपको गन्स, क्रेट्स और कॉस्ट्यूम्स बाय करने चाहिए या नहीं, क्योंकि ये फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो चलो यार, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, पहले बात कर लेते हैं PUBG PC के बारे में। तो गाइस, आप जैसे कि जानते ही होंगे कि PUBG PC को किसी भी इल्लीगल तरीके से PC में नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये एक ऑनलाइन सर्वर बेस्ड गेम है। अगर आप ऐसे वैसे करके चला भी लेते हैं तो आपका अकाउंट जल्द ही बैन हो जाएगा। तो अगर आप इस गेम को लीगली चलाना चाहते हैं अपने PC में, तो आपको इस गेम को बाय करना पड़ेगा। बाय करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे हार्ड कॉपी खरीद लीजिए अमेज़न से, या फिर स्टीम से डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर लीजिए खरीद के। और जो करेंटली प्राइस है हार्ड कॉपी का अमेज़न पे, वो है 1700 इंडियन रुपीज़, और स्टीम में इसका प्राइस है 999 इंडियन रुपीज़ या फिर $30। और एक्सबॉक्स में भी यही सेम कंडीशन है। तो आपको इस गेम को चलाने के लिए एक्सबॉक्स में इसका हार्ड कॉपी खरीदना पड़ेगा, जो कि लगभग 1800 रुपीज़ का मिलता है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे। तो भाई, ये तो हो गई कि PUBG PC और एक्सबॉक्स कैसे मनी अर्न करती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं PUBG मोबाइल के अर्निंग के बारे में। PUBG मोबाइल जब लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के लिए, तब इसके प्लेयर्स बहुत ही कम थे और उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत कम थी। लेकिन अब इस गेम ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है कि इस गेम को हर कोई खेलना चाहता है, और ख़ासकर इंडिया में ये गेम बहुत पॉपुलर हो गया है। और जो PUBG PC स्ट्रीमर्स थे, वो PUBG PC को स्ट्रीम करना छोड़कर इस गेम को स्ट्रीम कर रहे हैं, और दोस्तों ये गेम उतनी एडिक्टिव है ही। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो आप ये तो जान चुके हैं कि PUBG मोबाइल कितना पॉपुलर गेम है, और दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप PUBG मोबाइल, PUBG PC या फिर PUBG एक्सबॉक्स के प्लेयर होंगे। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं PUBG मोबाइल के बारे में, तो आपको पता होगा कि उसमें UC करके एक करेंसी होती है, जिससे आप बाय कर सकते हैं क्रेट्स, गन स्किन्स या जो मर्जी चाहे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन उस UC को बाय करने के लिए आपको अपना पैसा इस गेम पे खर्च करना होता है। सबसे पहले आपको किसी भी सोर्स से गूगल प्ले वैलेट में पैसा डालना होता है, और उसी पैसे से इस गेम में जो अमाउंट होता है उसको रिडीम करना होता है दोस्तों। तो वो बहुत ही ज़्यादा लोग उससे बाय करते हैं UC से, और UC को बाय करने के लिए वे अपना पैसा खर्च करते हैं इस गेम पे। आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये गेम इतनी एडिक्टिव है, और कुछ लोग इतने एडिक्ट बन चुके हैं इस गेम के कि वो इस गेम पे हज़ारों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इससे PUBG मोबाइल को बहुत ही प्रॉफिट होता है यार। ओके, और बहुत यानी बहुत आप सोच भी नहीं सकते उतना। और आप ये भी जानते ही होंगे कि PUBG मोबाइल को भी हैक नहीं किया जा सकता, और UC का जो रेट है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। गाइज, मैं आपको बता दूं कि 0.8 सनहोक मैप का अपडेट जो है ग्लोबल 12 सितंबर को रिलीज़ होने वाला है, तो आप रेडी हो जाइए सनहोक मैप को एक्सप्लोर करने के लिए। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि PUBG PS4 भी लॉन्च होने वाला है, और अगर वो लॉन्च हो गया तो PUBG का जो प्रॉफिट है वो फुल पिक पे होगा यार, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि PS4 एक बहुत ही पॉपुलर गेमिंग कंसोल है।
तो आई थिंक हमें यही पर इस वीडियो को ख़त्म कर देना चाहिए, और मैं ये मानता हूँ कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ रहेगा पबजी के रेवेन्यू के ऊपर। और दोस्तों, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि यार मुझे टॉपिक ही नहीं मिल रहा है, और मैं टॉपिक सर्च करता रहता हूँ लेकिन जो वो टॉपिक होता है वो यूज़ किया हुआ रहता है और आप उसे देखना पसंद नहीं करेंगे, ये मुझे पता है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता। तो यार, अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है तो मुझे नीचे बताना, मैं उसके बारे में रिसर्च करके आपको बताऊँगा। तो आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों, जो सनहोक मैप का अपडेट है उसके बारे में आप कितने एक्साइटेड हैं ये मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। टिल देन, हैव ए नाइस डे, बी सेफ, बी गेमर। जय हिंद, वंदे मातरम।